हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शूट कर रही हूँ चिली मिली के। तो मैंने आज हम क्या बना रहे हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं उससे पहले ये पता कि अभी कितनी बच रही है। हाँ, मैं उसी के लिए तो आई हूँ यहाँ पर अपना फोन लेकर। तो अभी 10:15 हो रही है, जिनको हिंदी में नहीं समझा 10:15 हो रहा है। अभी उल्टा दिख रहा होगा और साथ में मेरी थी सुंदर सी फोटो भी। सोच रहे हैं, वैसे तो ये ज़्यादा लेट नाइट नहीं है कुछ लोगों के लिए, बट हमारे लिए लेट नाइट है क्योंकि हम खाना खा लेते हैं 7:30 या 8 बजे तक। और इस टाइम पे अगर हम खाना खाएंगे तो मम्मी से डांट ही पड़ती है, जो कि हम खा कर आए हैं अभी अभी। हाँ, अभी डांट खा के आए हैं और डांट खाने के बाद हम कुछ और भी खाने आए हैं। तो अब हम क्या खाने वाले हैं, वो है मैगी। बड़ी मैगी नहीं है, ये है बाई वाई, जिसे हम कोरियन स्टाइल में बनाकर फिर खाएंगे। तो क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ना हमने मैंने एक रील देखी और देखते ही इतना खाने का मन हो गया। मैंने निकिता दी को भी दिखा दी और इसका भी मन हो गया। तब से अभी खाना है और लाइट चली गई थी। अभी जैसे ही लाइट आई है हम किचन में आ गए। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बनाते हैं हमारी मैगी। क्या आपको भी लेट नाइट क्रेविंग्स होती है, और अगर आपको होती है तो आप क्या बनाते हो, कमेंट्स में बताना। क्योंकि हमें तो कई बार होती है और डांट भी हमें कई बार पड़ती है। फिलहाल हम बना रहे हैं मैगी। मोस्टली मुझे पड़ती है, भले कोई भी खा रहा होता है। नहीं, क्योंकि ज्यादा बार तू ही खाती है। हाँ, तो इसीलिए कोई भी खा रहा तो भी मुझे डांट पड़ती है। तो अभी हम तो खाने वाले हैं मैगी, तो उसके लिए पहले मैंने पानी रख लिया बॉइल करने। हम पहले सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए पहले हम वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। हम ज्यादा फैंसी तरीके से रख नहीं सकते, अगर ज्यादा रात को फैंसी तरीके से किया ज्यादा बर्तन होएंगे, बर्तन धोएगा कौन, क्योंकि हमें तो बस भूख लगी है। और ये देख रही हूँ, ये हमारी वाई वाई पे कौन है आप इन्हें जानते हो? और अभी हमने लिए यहाँ पर 3, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, क्योंकि हमें लग रही है बहुत ही ज्यादा भूख, तो हमने 3 स्टैक्स ले लिए है। मम्मी होते तो यहाँ पे डांट पड़ जाती अभी हमें। पानी ऐसे मैंने आपको बोला था कि मैंने रख दिया, बट मैंने लाइटर से अभी जस्ट चालू किया है पानी को गर्म कर। लेकिन अभी मम्मी ने कुछ मांगा है तुझसे। इंडियन घर में शूट करना इधर डिफिकल्ट है, पीछे से इतनी आवाज आ रही होती है ना सबकी। कितना शांत कराया हो हम किसी को, शांति नहीं होता हमारे घर में कोई। तो हमने सोचा आप लोग को भी वो आवाज सुना दे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी क्या करूं? आप कुछ और लेके खा लो, आप वही कर सकते हो। अभी बहुत अभी टाइम है, थोड़ा प्रिपरेशन चल रही है। तो ये ना मुरब्बा बना हुआ है, आई डोंट नो आपको समझ में आता है कि नहीं, बट मुरब्बा कैरी से बनता है, जैसे कैरी का अचार बनता है वैसे कैरी का मीठा अचार बनता है इसके। अभी मैं उंगली से ले रही हूँ, जज मत करना, मैं बहुत हाइजीनिक हूँ, मेरे हाथ धोए हुए बस कि मैं इसको टेस्ट करूँ खाना खा रही। निधि, अगर ऐसे आप सब थोड़ा थोड़ा खाओगे तो आपका तो पेट भर जाएगा। तो अभी कोरियन नूडल्स नहीं खाओगे फिर? नहीं, मतलब अभी जब तक ये प्रिपरेशन हो गया कुछ ना कुछ तो खाओगी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। सोचती हूँ निकिता मम्मी बना रहे वैसे पता है हम नॉर्मल सी जैसे बनती है मैगी या वाई वाई जैसे बनती है नॉर्मल भी खा सकते थे, पर क्योंकि हमने वो रील देख ली और हमारा मन हो गया था कोरियन नूडल्स बना के खाने का, तो इसलिए हम बना रहे हैं कोरियन नूडल्स इतनी मेहनत करके रात को। वो बात अलग है, इसमें निकिता दी की 0 मेहनत है, एक्सेप्ट फॉर जो पानी उसने गर्म करने रखा है। तो मैंने रखा है ना, अभी इसमें डाल दूं क्या नूडल्स? अभी कहाँ उबाला नहीं आया? नहीं आ गया, पेशेंस ही नहीं है बंदी में। 2 स्टैक्स, 3 स्टैक्स, 3 स्टैक्स, आई गेस पानी कम पड़ सकता है। 4 मिर्ची इनफ है निधि? यस।
पक्का ये या एक और लू क्या मिर्ची चार ही ना फिर हाँ हाँ इनफ इनफ क्योंकि रेड चिली पाउडर और रेड सोया सॉस भी डालना है चिली पाउडर भी है हाँ ऊपर से टेस्ट में ठीक नहीं निकली अपने तो पूरे इंग्रेडिएंट ही नहीं दिखाए सॉल्ट रेड चिली पाउडर और हमें चाहिए होगा सेसमे सीड्स ये तीन इंग्रेडिएंट्स और गाइस मैं निकाल लेती हूँ ताकि बोल सके मेरी भी मेहनत थी दिस इज सेसमे सीड्स किसमें निकालूं इसी में साइड पे रखूं थोड़ा सा चाहिए मेरे को इतना सा हाँ इनफ थोड़ा सा निकाल दे बस क्योंकि अपन ने तीन स्टैक लिए हाँ क्योंकि कोरियन खाने में उसे शुगर भी जाती है शक्कर नहीं 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 किसी जाती है देखो पता है कोरियन वाली जो मैगी अपन खाते हैं हाँ पर अपने को याद है वो नेपाली लड़की मिली थी उसने क्या बताया था ये वाली मीठी थी पर जो ओरिजिनल होती है वो मीठा नहीं होता है पर डालेगा ना हर नहीं यार नहीं थी मेरे को मीठा नहीं पसंद है प्लीज आई वॉन्ट वो स्पाइसी एकदम ठीक है हाँ मजा आ जाए ओके लास्ट में टेस्ट करने का अगर लगा कि जरूरत है तो हम डाल देंगे मत ये बिना अपना दिन का खत्म होगा दीदी मैं सोच रही हूँ अपने बाल बांधने बड़ी इरिटेट क्योंकि कुकिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है बाल बांधने एग्जैक्टली छोड़ लाल मिर्ची बाद में निकालूंगी पहले प्याज कट कर लेती हूँ सन्यासी यू मीन दीदी मेरा फोन मेरा फिंगरप्रिंट का भी लेता क्यों नहीं है दे मेरा ले लेगा ले लिया चल उसने जैसे ही सुना तू ले रही है मेरा फिंगरप्रिंट देने तो उसने मना ही कर दिया अपने आप मेरे को ऐसे में करना था ये जो करना हाँ तो ये फॉगी फॉगी क्यों हो रही है मेरा कैमरा मेरी नूडल्स तो पक चुकी है देख सकते हैं आप क्या मस्त हुआ निकल रहा है मस्त आ गई तो हम इसको अब शायद खाली कर देंगे और इसमें हम बाकी की जो हमें मसाले की तैयारी करनी है वो करेंगे Let's get started. मैं आपको मिलती हूँ एक ही मिनट में तो अब हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है ऑयल डाल दिया है और इसने ना मेरी एक नहीं सुनी और इसने शेफ की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हुए मिर्ची और सेसमे सीड पहले डाल दी जबकि सेसमे सीड तो लास्ट में डालना था सब चीजों को गोल्डन ब्राउन होने देंगे अब प्याज डाल दे हमें ज्यादा भी नहीं पकाना है क्योंकि हम थोड़ा पानी डालने वाले ना चल अब प्याज डाल तो मैं कह रही हूँ अब हम डालेंगे इसमें हल्का सा प्याज मतलब हल्का सा तो प्याज जितना काटे उतना डाल दो यार एक प्याज दो प्याज जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल दो प्याज को ज़्यादा पकने मत देना क्योंकि हम इसमें सॉसेज डालेंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे हमें क्रंच चाहिए सब्जियों का तो पहले हम मसाला डालें नहीं अभी थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि पहले मसाला जल जाएगा मसाला जल जाएगा पहले थोड़ा पानी जैसा मैं कह रही हूँ सुन लो फॉलो माई इंस्ट्रक्शन जो आप मेरे कैमरे में आ रही है तेरे को लास्ट बार वार्निंग दे दूँ हमने पानी भी डाल दिया है बस अब इतना रेड चिली पाउडर तीनों पाउचेस हम इसमें डाल देंगे कैसे होता है पाउच नहीं होता है ठीक है थोड़ी और जितनी भी है इसमें थोड़ी सी है वो सारी डाल देते हैं मिली की खुशी के लिए अब इसमें जाएगा रेड चिली सॉस ऊपर से
एकदम शेफ की तरह डालना सिखा रही हूँ, तो सीख। ठीक है, हमने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम सोया सॉस। सोया सॉस जिससे आएगा थोड़ा सा खट्टा टेस्ट। सोया सॉस का टेस्ट है, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। इतना खट्टा होता है सोया सॉस, बस इनफ है। अभी वन पॉइंट नीच काफी है, 1.2 3 स्टैक्स के लिए। मैं इसमें हल्का सा पानी और चाहिए। नहीं नहीं पानी और नहीं चाहिए, इसमें हम डालेंगे अपनी नूडल्स। नहीं हल्का सा चाहिए, नूडल्स को भी। ये शेफ के पास ये नूडल्स को भी इसमें लपेट के तो मंचूरियन बना दिए ग्रेवी वाले। अच्छा अरे कर तो ऐसे रही जैसे ग्रेवी वाले मंचूरियन बना रही है। तो अब जो ये हमने निकाले हैं बोल ऑफ नूडल्स है, अब हम इसमें डाल देंगे सारे ऊपर से। और बता तेरा खटखटाना कितनी बार बोला मत किया था। बहुत सारे शेफ करते हैं। ओह अब हम इसको आराम से इजीली मिक्स कर देंगे। वो टेक्निक पे कोई यूज नहीं कर सकता, मैंने इन्वेंट की है। न्यू यूजफुल देख रहे कितनी मस्त दिख रही है। जिसका पेटेंट उसको मिलता है जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। किसका क्या एप्लीकेशन? तो 2 सेकंड दीजिए सर मुझे। 2 सेकंड बस, ये हो गई है रेडी, अब हम खाने बैठेंगे। ये मुझे इग्नोर कर रही है। मैं एक तो कॉलेज जाके पेटेंट क्या होता है वो सीख कर आई हूँ, इसके सामने चल बाहर चलते हैं। चालू कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाती हूँ। मैं भी कर ही लेती हूँ फिर एक बार। ऐसे हम नमक डालना भूल गए, पता है आपको सब्जियां जब हम ये करें तो सॉटे जरूरत नहीं है डाल सकते हो। ये बस यहाँ पे इतना ही टेस्ट टेस्टी हो रहा है। मेरा मुँह से जल जाएगा मैं इसीलिए मैं खा रही है कि आज ही खाएगी 15 दिन बाद। चलो अब बाहर जाके खाते हैं।